मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज आरबीसी। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि जो है ब्लड होता क्या है, और अपन ने ये भी बात की थी कि जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात की थी, थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में देखा था। जस्ट लाइक द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज जो है हीमोपोएसिस, और द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। ब्लड जो है रेड होता है, इसके अलावा विस्कस होता है, ऑपकल होता है नेचर के अंदर, अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, 7.4 जो है इसका पीएच होता है। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर जो है 4 to 5 liter पाया जाता है, और बॉडी का जो है 7 to 8% जो है पार्ट बनाने का काम करता है। ये बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली जो है ये फ्लो होता रहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये फ्लो होता है। इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है ये। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कंपोजिशन के अंदर अपन देखें, दो पार्ट्स इनके बना होता है। नंबर वन इज द प्लाज्मा, दैट इज द एक्वस सब्सटेंस और वाटरी सब्सटेंस। एंड नंबर सेकंड इज ब्लड सेल्स, नॉट ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। दो आर थ्री टाइप्स ऑफ। नंबर वन इज द आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर आपने देखा था कि मोस्टली जो है ये वाटर का बना होता है, जिसके अंदर 90% वाटर पाया जाता है, एंड रिमेनिंग 10% के अंदर जो है 9% जो है प्रोटीन या सब्सटेंस पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और 1% के अंदर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं 45% की, ब्लड के 45% की बात कर रहे हैं, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, ब्लड कॉर्पसल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, दोज आर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, इसके बाद में जो है अपन डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट आरबीसी। आरबीसी होती क्या है, ऐसी ब्लड कॉर्पसल्स जो कि रेड इन कलर होती है। कलर के अंदर कैसी होती है, रेड होती है, और ये जो है ब्लड का लगभग 99% ब्लड कॉर्पसल्स का जो है 95% to 99% पार्ट बनाती है। मतलब कि वी कैन से ब्लड की कॉर्पसल्स के अंदर मेजरली जो है आरबीसी ही पाई जा रही है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है नाम मात्र पाई जा रही हैं, बहुत ही कम नंबर के अंदर पाई जा रही हैं। ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जा रही हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, इनका एक और नाम है, दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट। द आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। इनको जो है अपन एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये ब्लड कॉर्पसल्स का 95% to 99% पार्ट बनाती है। ओके, इनका डायमीटर होता है लगभग 7 to 8 micrometer। दे आर 7 to 8 micrometer इन डायमीटर, एंड वाइडनेस होती है लगभग 2 micrometer। राइट, देयर वाइडनेस और विड्थ इज 2 micrometer। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि अपन जो है बार बार कार्पसल्स वर्ड को यूज में ले रहे हैं, नॉट यूजिंग द सेल। भाई यहाँ पे अपन जो है आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी तो बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल्स भी तो बोल सकते हैं, बट सेल्स को यूज में नहीं लेके अपन किसको यूज में ले रहे हैं, कार्पसल्स को यूज में ले रहे हैं। कार्पसल्स को यूज में क्यों ले रहे हैं, इसका एक मेजर रीजन है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नंबर वन। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इनके अंदर ईआर नहीं पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अंदर गोल्जी अपैरेटस नहीं पाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाने की वजह से, देयर आर सम सर्टेन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन आरबीसी, दैट्स व्हाई द आरबीसी और वी कैन से आरबीसी को जो है अपन मेनली कॉर्पसल्स बोल रहे हैं, सेल्स बोल रहे हैं। सेल्स के अंदर लगभग सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बट कॉर्पसल्स के अंदर जो है कुछ सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जिसके अंदर नंबर वन तो न्यूक्लियस आता है, नंबर सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया आता है। राइट, तो यहाँ पे अपन सेल वर्ड को यूज में नहीं लेके किसको यूज में लेंगे, कॉर्पसल्स को। एंड सम सर्टेन टाइम इट इज ऑल्सो आस्क्ड that why we are using word carpuscles not the cell. So this is the major or important reason of that. ये जो है इसके लिए बहुत important reason है, इनके अंदर जो है nucleus पाया तो जाता है, but जिस time पे ये produce हो रही है केवल उसी time पे पाया जाता है, उसके बाद में जो है nucleus destroy हो जाता है और nucleus इनके अंदर पाया नहीं जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है ड्यूरिंग होल द लाइफ,
जिसका जिसकी एक्सेप्शंस हैं या फिर किस पॉइंट की एक्सेप्शंस क्या है, एक तो है लामा एंड सेकंड इज कैमल। कैमल और लामा दोनों ऐसे एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। सो दीज आर एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इसके बाद में बात करते हैं द काउंट ऑफ आरबीसीज इन मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर इनका काउंट होता है लगभग 52 लाख पर क्यूबिक एमएम। दीज आर फाउंड इन मेल 52 लाख पर क्यूबिक एमएम एंड फीमेल के अंदर पाए जाते हैं 47 लाख पर क्यूबिक एमएम। सो वी कैन से मेल के अंदर जो है आरबीसी ज्यादा पाई जाती है, आरबीसी काउंट ज्यादा पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर आरबीसी काउंट थोड़ा कम पाया जाता है। ऑलराइट, आप लोग देखते होंगे कि फीमेल के अंदर कम क्यों पाया जाता है, इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि फीमेल्स आर पास फ्रॉम एवरी मंथ फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो बहुत टाइम जो है अननेसेसरी ब्लड जो है बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग के दौरान। ऑब्वियसली अगर ब्लड जो है बाहर निकल रहा है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड जो है बाहर फ्लो होके जा रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो फीमेल के अंदर जो है एज कम्पेयर टू द मैन और मेल कम होता है, या फिर मेल के अंदर जो है एज कम्पेयर टू द फीमेल ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोडक्शन। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, ये अपनी बॉडी के अंदर रेड बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती है। बोन मैरो जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कुछ स्पेशल बोन्स के एंड में पाए जाते हैं। ओके, बोन मैरो कुछ स्पेशल सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जो कुछ स्पेशल बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, लाइक हिप बोन के अंदर भी, इसके अलावा क्रेनियम के अंदर भी, इसके अलावा जो अपनी शोल्डर बोन्स होती हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि ब्लड को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ब्लड को इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को जो है प्रोड्यूस करने का काम करते हैं ये। ओके, बट फीटल स्टेज के अंदर जो है रेड बोन मैरो के अंदर जो है नहीं बनकर ब्लड कहाँ बनता है, लीवर के अंदर, ब्लड सिंथेसाइज इन लीवर। एंड इसके अलावा स्प्लीन के अंदर भी जो है ब्लड सिंथेसाइज होता है। ओके, इनका जो लाइफ स्पान होता है लगभग, दिस इज 120 डेज, दे सर्वाइव ऑलमोस्ट 120 डेज। 120 डेज के बाद में जो है ये कहाँ पे चली जाती है, लीवर की, सॉरी स्प्लीन के अंदर चली जाती है, और स्प्लीन के अंदर जाने के बाद में इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है 120 डेज के बाद में, बिकॉज दिस इज द लाइफ स्पान ऑफ द रेड आरबीसी। इसके बाद में बात करते हैं, ये आरबीसी जो है रेड होती है कलर के अंदर, कैसी होती है ये, रेड होती है, बट व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये रेड होती है। रीजन ये है कि इनके अंदर एक जो है पिगमेंट पाया जाता है, नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड कराता है, दैट इज अ क्रोमोप्रोटीन। क्या है ये, एक क्रोमोप्रोटीन है, एंड दैट क्रोमोप्रोटीन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, या फिर बोल सकते हैं कि इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। नंबर वन इज हीम पिगमेंट, नंबर वन इज हीम पिगमेंट, एंड नंबर सेकंड इज ग्लोबिन प्रोटीन, नंबर सेकंड इज ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन तो जो है डिस्ट्रक्शन के टाइम पे जो है अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसका डाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो हीम पिगमेंट है इट इज अगेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स से मिलकर कंसिस्ट है। नंबर वन इज पोरफायरिन रिंग, एंड नंबर सेकंड इज आयरन आयन, नंबर सेकंड इज आयरन आयन और फेरस आयन। पोरफायरिन रिंग जो है आफ्टर डिस्ट्रक्शन इट कन्वर्ट्स इनटू बिलिरुबिन और बिलिवर्टिन, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या फिर बाइल साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है इसके। और ये जो आयरन है इट इज अगेन गोइंग टू द बोन मैरोज, वापस बोन मैरो के अंदर सप्लाई हो जाता है, वहाँ पे जो है ये ब्लड के प्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये अपने ब्लड के अंदर पर 100 ml के अंदर जो है 15 ग्राम पाए जाते हैं, वी कैन से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर पर जो है डेसीलीटर कितना पाया जाता है 15 ग्राम, या फिर वी कैन से 15 ग्राम पर 100 ml। अगर इसकी कंसेंट्रेशन जो है इससे कम हो गई देन इट्स हार्मफुल, ज़्यादा हो गई देन इट्स हार्मफुल। इसका मेन फंक्शन होता है टू एक्सचेंज द गैसेस, ये जो है गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। इन एक्चुअल जो है रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस जो है हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होती हैं,
ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सोहीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है। सर्टेन टाइम जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंड हो जाती है, और ये जो है हीमोग्लोबिन जो है इससे ऑक्सीजन और जो है CO2 बाइंड होते हैं। जब भी जैसे CO2 बाइंड होता है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ऑक्सीजन जो बाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसके अलावा सर्टेन टाइम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंड हो जाती है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है प्रोड्यूस कर देती है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से जो है बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, और जहाँ पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे रीच होता रहता है। अपनी बॉडी मैमल्स के अंदर अगर बात करें, मैमल्स के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है किसके अंदर, एलिफेंट के अंदर, और सबसे छोटी पाई जाती है डियर के अंदर। ओके, डियर के अंदर तो सबसे छोटी होती है और एलिफेंट के अंदर सबसे बड़ी होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स। मैमल्स के अंदर एलिफेंट के अंदर बड़ी होती है, बिगर होती है, बिगेस्ट आरबीसीज, एंड डियर के अंदर स्मॉलेस्ट होती हैं। तो ये कुछ अपन ने जो है आरबीसी के बारे में देखा है। आरबीसी का जो है फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इनको। ये जो है ब्लड कॉर्पसेल्स का 95-99% पार्ट बनाती हैं। ये जो है 7-8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं। वाइडनेस के अंदर जो है 2 माइक्रोमीटर होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो ईआर, नो गॉल्जी अपैरेटस। और इसके एक्सेप्शन है नामा एंड कैमल, मतलब कि इनके अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो है मेल के अंदर 52 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है, फीमेल के अंदर 47 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। प्रोडक्शन जो है आरबीसी का, दिस इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। रेड बुल मैरो के अंदर ये प्रोड्यूस होती है, फीटल स्टेज के अंदर जो है ये लीवर एंड स्प्लीन के अंदर प्रोड्यूस होती है। स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक भी बोलते हैं इसलिए। बट डिस्ट्रक्शन भी जो है किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर, इसलिए इसको ग्रेवियार्ड बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ग्रेवियार्ड। बहुत बार पूछ लिया जाता है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज, विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज नोन एज ब्लड बैंक, आंसर विल बी स्प्लीन। एंड ग्रेवियार्ड इज, आंसर विल बी स्प्लीन। इनका लाइफ स्पान 120 डेज होता है, आफ्टर दैट दे डाई। ओके, इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, दैट इज क्रोमोप्रोटीन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हीम पिगमेंट एंड ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन जो है आफ्टर डिस्ट्रक्शन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड एंड बिकम्स सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हीम पिगमेंट दो पार्ट्स से मिलकर कंसिस्ट होता है, पोरफायरिन रिंग एंड फेरस आयन। ये जो पोरफायरिन रिंग है आफ्टर डिस्ट्रक्शन कन्वर्ट इनटू बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, और ये जो फेरस है ये अगेन ब्लड प्रोटेक्शन के काम में आता है। और अपन बात करें कि कितना पाया जाता है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर पाया जाता है 15 ग्राम पर 100 ml। कंसेंट्रेशन ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट आरबीसी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर आरबीसी, व्हाट इज कंसेंट्रेशन, व्हाट इज लाइफ स्पान एटसेट्रा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग।